क्या सच में फोन चलाने से सींग निकलते हैं? और कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ क्यों नहीं पाया? फॉरन ओके प्लीज का मतलब क्या होता है? तो भाई इस वीडियो में आप ऐसे ही कमाल के फैक्ट जानोगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है आज तक आत्मा को साबित करने के लिए कोई भी प्रयोग क्यों नहीं किया गया? चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, आत्मा को किसी भी पैमाने पर मापना विज्ञान के बस की बात नहीं है, क्योंकि विज्ञान की पावर एक सीमित है, यानी कि विज्ञान की पावर की एक लिमिट होती है। लेकिन आत्मा एक ईश्वरीय तत्व है, जिसके अस्तित्व को जांचना ना तो विज्ञान के बस की बात है और ना ही किसी इंसान के बस की बात है। नंबर 2, दोस्तों स्टीफन हॉकिंग ने 80 के दशक में आखिर से साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये बात सच है कि स्टीफन हॉकिंग अपनी बातों को तर्क पर रखते थे। अपनी आखिरी किताब में उन्होंने तो खुलकर लिखा है कि मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि इस दुनिया में ना तो स्वर्ग है और ना ही मरने के बाद कोई जीवन। नंबर 3, आपको पता है जो लिपस्टिक महिलाएं इस्तेमाल करती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं? चले जानते हैं। दोस्तों लिपस्टिक बनाने के लिए ऑयल, मोम, पिगमेंट, फ्रेग्रेंस और ग्लोस, इन सभी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, दोस्तों अमेरिका में एक ऐसी जगह है जिसे विमानों का कब्रिस्तान कहा जाता है। जी हाँ, इस जगह का नाम है एरिजोना टॉक्सन, जो कि एरिजोना डेजर्ट में पाए जाते हैं। इस जगह पर आपको 2600 एकड़ में केवल प्लेन ही नजर आएंगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, और शायद इसीलिए इस जगह को विमानों का कब्रिस्तान कहा जाता है। नंबर 5, दोस्तों जब भी पर्वतों का जिक्र किया जाता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ 2 ही पर्वत आते हैं, पहला माउंटेन एवरेस्ट और दूसरा कैलाश। जैसा कि हमें पता है कि माउंटेन एवरेस्ट पर काफी लोग जा चुके हैं और रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, लेकिन दोस्तों हैरानी वाली बात ये है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया, जबकि वो माउंटेन एवरेस्ट से काफी नीचे है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण। दोस्तों कैलाश पर चढ़ने वाले फेलियर्स बताते हैं कि यहां जाने पर थोड़ी ही ऊंचाई के बाद व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, यानी कि वो दिशा ही भूल जाता है कि उसको जाना किस तरफ है। और पर्वतों पर दिशाहीन रास्तों में चढ़ाई करना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना, इसीलिए उस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। इसके अलावा हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, इसीलिए कोई भी इंसान उस पर्वत पर इतनी आसानी से नहीं चढ़ सकता। दोस्तों कैलाश पर्वत का एक फोटो काफी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो इस फोटो में भगवान शिव की छवि दिखाई दे रही है। क्या होगा अगर पेट्रोल वाली बाइक में डीजल डाल दिया जाए? तो चले जानते हैं। दोस्तों ऐसा करने पर बाइक में पेट्रोल वाली नली में अगर थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा होगा तो बाइक का इंजन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही डीजल इंजन में पहुंचेगा तो बाइक की आवाज और उसका आरपीएम चेंज हो जाएगा। बाइक बहुत ही काला धुआं और तेजी से देने लगेगी, और बाइक चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सीलेटर का इस्तेमाल करना होगा। नंबर 7, क्या सच में मोबाइल चलाने से सींग निकलते हैं? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है कि ज्यादा फोन चलाने से आजकल सींग निकलने लगे हैं। एक रिसर्च के अनुसार युवाओं में अब सींग उगने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल फोन अब हमारी हड्डियों के स्वरूप में भी बदलाव कर रहा है, तो दोस्तों सावधान हो जाएं, जरूरत से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल ना करें तो ही अच्छा है। दोस्तों आपने ट्रक के पीछे अक्सर देखा होगा हॉर्न ओके प्लीज लिखा होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों हॉर्न ओके प्लीज का मतलब होता है कि सामने वाली गाड़ी बोल रही है कि ओवरटेक करने से पहले हॉर्न बजाएं, यानी कि ट्रक ड्राइवर पीछे चल रही गाड़ियों से बोल रहे हैं कि आगे निकलने के लिए हॉर्न बजाएं।